नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे टॉप चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुणे से जम्मू तवी के बीच चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन जो कि है झेलम एक्सप्रेस के बारे में, जो इस रूट की सबसे पुरानी ट्रेन मानी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और साथ साथ डेली रेलवे न्यूज़ के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। बात किया जाए झेलम एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 11077 और 11078 इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ट्रेन पुणे जो पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ से जम्मू तवी जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बीच चलती है। अगर दोस्तों की कुछ हिस्ट्री की बात की जाए तो जम्मू तवी जो ये झेलम एक्सप्रेस जो है ये बहुत पुरानी ट्रेन है इस रूट की, पुणे से जम्मू तवी के बीच में। ये स्टार्ट हुई थी 1979 में। अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो पहले ट्रेन चलाई जाती थी पुणे से न्यू दिल्ली के बीच में, क्योंकि उस टाइम ये वाले ट्रैक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था जम्मू तवी तक। और फिर इस ट्रेन को फिर ये ट्रेन जो चलाया गया दोस्तों वो इनिशियली आर्मी के लिए चलाया गया था, क्योंकि जो पहले ट्रेन चलती थी तो दिल्ली तक जो जम्मू कश्मीर जो आर्मी लोग जाते थे, तो जम्मू कश्मीर से पुणे एक दूसरा सेंटर पड़ गया आर्मी के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए इस ट्रेन का यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, इस ट्रेन का यूज़ होता है। इसका जो नाम रखा गया दोस्तों वो झेलम नदी पे रखा गया है जो जम्मू और कश्मीर में है, सिचुएटेड है। इस ट्रेन की बात की जाए तो ये आपको नॉर्दर्न कमांडर से आपको सेंट्रल कमांडेड इंडियन आर्मी को जोड़ती है ये ट्रेन। इसके अगर स्टॉप्स की बात की जाए तो इसके करीबन 61 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2177 किलोमीटर का। टाइम टेकन की बात की जाए तो 40 आवर्स 45 मिनट इसे लगते हैं। क्लासेस की बात की जाए तो इसमें अभी भी ICF रेक शेयर होते हैं, जिसमें से 2 सेकंड AC के कोच, 5 थर्ड AC, 10 स्लीपर क्लास, 3 जनरल अनरिजर्व्ड, 1 SLR और 2 मिलिट्री कोच का यूज़ होता है, क्योंकि मिलिट्री के लिए मोस्टली यूज़ होता है ट्रेन में, मिलिट्री कोच अटैच्ड मिलते हैं। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो 53 km/h मिनी इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 km/h मैक्सिमम है। रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए तो पुणे जंक्शन से निकल के दौंद जंक्शन, बेलापुर, मटगांव, जलगांव जंक्शन, खंडवा, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, झांसी जंक्शन, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा, न्यू दिल्ली, पानीपत, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, लुधियाना जंक्शन, पठानकोट कैंट होते हुए जम्मू तवी पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो पहले दोस्तों इसके अंदर पुणे शर्ट का WDM-3A या WDP-4 का लोकोमोटिव यूज़ होता था पुणे से मनमत तक। फिर उसके बाद गाजियाबाद शर्ट का WEF-4 या WEF-7 का लोकोमोटिव यूज़ होता था मनमत से जलंधर तक। फिर उसके बाद WDM-3A का लोकोमोटिव यूज़ होता था जम्मू तवी तक। बट अब पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, तो इसके अंदर मोस्टली WEF-4 या WEF-7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है फॉर एंटायर जर्नी के लिए पुणे से जम्मू तवी के लिए। टाइमिंग्स की बात की जाए तो 11077 जो है वो पुणे जंक्शन से हर शाम में 5:20 पर निकलती है और तीसरे दिन जम्मू तवी 10:05 सुबह पहुंच जाती है। इसका 11078 जो है वो जम्मू तवी से रात में 9:45 पर निकलती है और तीसरे दिन शाम में 3:10 पर पुणे पहुंच जाती है। इसके कुछ दोस्तों फ्यूचर प्लान्स भी है इस ट्रेन के, कि झेलम एक्सप्रेस को ना ट्रेन को कुछ और फास्टेस्ट बना दिया जाएगा इस रूट में चलने के लिए, जो करीबन और कम टाइम ले इसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। उसके बाद दोस्तों अभी कटरा बेनिहाल सेक्शन कंप्लीट मतलब हुआ नहीं है, वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो अभी कहा जा रहा है कि इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा श्रीनगर तक, जिससे आर्मी को थोड़ी हेल्प मिल जाए कि श्रीनगर तक सीधे डायरेक्ट एक ट्रेन हो जाए और लोग आराम से जा सके। तो एक तो नॉर्थ कमांड हेडक्वार्टर है उधमपुर में और एक साउथ कमांड सेंटर है पुणे में, तो इन दोनों को ये ट्रेन जोड़ती है बेसिकली कहे तो, तभी इसलिए इसको आर्मी ट्रेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट